नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिल्पी नारायण। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस विद्रोही अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में कोई संदेह नहीं है। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाए जाने के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले अजीत जोगी ने कहा, बीएसपी और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने फैसला किया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। प्रधानमंत्री के रूप में जोगी समान रूप से दृढ़ थे कि बीएसपी नेता मायावती इस टॉप जॉब के लिए उपयुक्त हैं। जोगी ने कहा, मैंने हमेशा विश्वास किया है कि गैर कांग्रेस व गैर बीजेपी गठबंधन का 19 में बहुमत होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार चरम पर है। नेता लगातार राज्य के दौरे पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया। इस दौरान घोषणा पत्र जारी करने से पहले अपने संबोधन में अमित शाह ने रमन सिंह सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में किए गए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहले बीमारू राज्य था, जिसे रमन सिंह सरकार ने विकसित राज्य में बदल दिया है। मऊ जिले के दक्षिण टोला क्षेत्र के हकीकतपुरा मोहल्ले में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे से हमला किया। इस हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें घायलों और उनके परिवार के लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को समाप्त कराया, साथ ही हमलावरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हम लोग शाम को खा करके सो गए। दरोगा साहब आए, कहे कि तुम लोग न झगड़ा करना, कल हमारी जमानत हुई। हम लोग आए थे, हाँ साहब, रात में आए और जमानत करके हम लोग आए, तो कहे कि देखो तुम लोग खा पी करके सो जाए। ठीक है सर, हम लोग खा पी करके सो गए। हम लोग मारो नहीं किया सर, 4-3 बजे भोर में उठ के सर मैदान करने गए। मारने में कौन कौन था? मन्नू पाद जोना ये आज सुबह 5 बजे के आसपास जो है, 4:30-5 बजे, ये हकीकत पूरा गांव है, बगल में ही पास के काम करने वाले में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई। दो तीन लोग घायल थे, अस्पताल भिजवा दिया उन्हें। लोग जाप करके बैठे हुए पंद्रह साल तक क्रिकेट खेलने के बाद भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने छोड़ने का फैसला किया है। अपने इस फैसले पर मुनाफ ने कहा, उन्होंने इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि साथ खेलने वाले सभी खिलाड़ी रिटायर्ड हो चुके हैं, सिर्फ धोनी ही बचे हैं। पूर्व गेंदबाज ने कहा, सबका टाइम खत्म हो चुका है, गम होता है जब सारे खेल रहे होते हैं और मैं रिटायर्ड हो रहा होता। हालांकि मुनाफ ने साफ किया है कि वो दुबई में होने वाली T10 लीग में हिस्सा लेंगे और कोचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। देश के सरकारी बैंकों का काफी पैसा PNB के तौर पर फंसा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक बीते दिनों 14,000 करोड़ रुपए के घोटालों के झटके से अभी तक उबर नहीं सका। अब एक बार फिर PNB ने फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक की लंदन स्थित ब्रांच से $37 मिलियन के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस मामले में बैंक ने 5 भारतीय, 1 अमेरिकी और 3 कंपनी के खिलाफ UK हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक का सहायक बैंक PNB लिमिटेड की इंग्लैंड में 7 शाखाएं हैं। कोर्ट में दाखिल केस में बैंक ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने फर्जीवाड़े के कागजात के आधार पर कई बार लोन लिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HBN न्यूज के साथ।